Okay. यशराज का फर्स्ट शो है फर्स्ट वेब शो है वो फिलहाल ये है हैं। जी जी मजा आ रहा है <laughs> फुल <laughs> मजे कर रहे हैं बढ़िया <laughs> है एकदम आपने गाड़ी देख ली मुझे, <laughs> <laughs> मुझे लगा वो भूल गई <laughs> बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ये एन सी है मेरा नाम सत्यम है न्यूज़ क्लिक हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है तो कैसा लग रहा है थैंक यू सत्यम जी फॉर कॉलिंग संदीप भैया ने एकदम बूम कर दिया है लाइक एस्पिरेंट्स डेट कैसा लग रहा है आपको महसूस कैसा हो रहा है अब एक एक्टर एक, एक कलाकार की विष यही होती है कि उसका काम पहुंचे लोगों तक और अगर उसके पहुंचने के बाद अगर सराहा भी जाए तो फिर hmm. चार चांद लग जाते हैं तो आई एम जस्ट फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड ऐसा लग रहा है कि भाई जो कर रहे थे जिस दिशा में काम किया है शायद सही दिशा थी और hmm. वो रंग ला रही फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड इन ग्रैटिट्यूड किस तरह से डिफरेंट है फैमिली मैन की अगर हम बात करें और एस्पिरेंट्स का संदीप भैया या संदीप भैया का संदीप भैया जी तो जी मिलिंद के जो मिलिंद का जो करेक्टर है उस हिसाब से प्रेपिंग के हिसाब से क्या फ़र्क रहा है दोनों करेक्टर्स में देखो मिलिंद इज़ अ टास्क ऑफिसर उसकी फिजिक और वो सारी चीज़ें अलग हैं और uh, उसका पैशन फॉर कंट्री है और वो उसके लिए uh, मर मिटता है एंड उसके आइडल हैं मनोज सर जिनसे इंस्पायर होता है

और इस तरीके की स्थितियों से जूझ रहे हैं जो कि अमूमन होता है जो कि रियलिटी है इस, इसी इसी वजह से आई थिंक लोग रिलेट कर पा रहे हैं एंड नेवर गिविंग अप एटीट्यूड जो है वो uh, संदीप भैया है में है वो चाहे एस्पिरेंट्स में हो या uh, संदीप भैया में हो दैट्स दैट्स द कैरेक्टर बट हाँ एस्पिरेंट्स में एक पर्टिकुलर शेड देखा गया लेकिन संदीप भैया में पता चला कि भाई अंदर की बात अंदर क्या है सब कुछ दरअसल जी जी इंदौर से हैं आप जी प्रॉपर इंदौर में ही रहे हैं बचपन से आ, इंदौर में रहा हूँ मैं हॉस्टल में रहा हूँ मैं काफ़ी साल सात आठ साल हॉस्टल में रहा हूँ पैदाइश मेरी वहीं की है आ, पर बीच में मैं मसूरी में भी रहा हूँ और आ, अलग अलग जगहों पे स्कूलिंग किया है उसके पहले बट देन सात आठ साल वहाँ भी रहा हूँ मैं और फिल्म्स तक आप थिएटर के जरिए पहुँचे या सीधा आप फिल्म में ही थे थिएटर किया है आप थिएटर मैंने किया है कॉलेज में किया था फिर स्कूल में तो नहीं कर पाया ज़्यादा बस वही डिबेट और ये सब ताकि यू नो ओपनिंग अप हो जाए वो लिहाज से वो सब किया था पर uh, मैंने प्रॉपर मुझे ट्रेनिंग करनी थी अगर मुझे पता था कि ये दिस इज़ फॉर लाइफ तो मुझे उसके लिए यू you नो know, मुझे पता था तैयारी करके जाना है ऐसे ही नहीं चले जाना है क्योंकि तो, ये मेरी जिंदगी की FTI बात है। जी तो मैं

आ, संदीप भैया में जो संदीप भैया का करेक्टर है मतलब ये है नेवर गिविंग अप ये वाला पूरी मानसिकता सब कुछ है लेकिन एक फेलियर भी है ना इंसान का वो देख रहा है कि उसके जूनियर लोग या उसके साथ कई लोग चले जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा जो फेलियर है वो मुझे लगता है कि यूपीएससी देने वाले 90 परसेंट से ज्यादा बच्चे फेस करते हैं आ, मैं करेक्ट करना चाहूंगा फेलियर इसलिए नहीं है कि उसके आस वाले लोग आगे जा रहे हैं उसको सिर्फ वो आसपास वाले लोग ऊपर जाते हैं तो खुशी होता है हाँ। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है एंड वेरी वेरी हैप्पी अबाउट को लेके जा रहा है ऊपर। लेकिन पर ये जो नहीं कर पाना चलिए फेलियर शब्द हम हटा देते हैं फेलियर बोल दो आप फेलियर इसमें ईर्ष्या से कनेक्शन नहीं है ईर्षा नहीं वो खुद का खुद से इट्स इट्स वेरी नेचुरल आप लाइफ में कुछ कहीं पहुंचना चाह रहे हो तो मतलब वही वाली बात है ना कि इट्स इधर फेलियर और लर्निंग और एंड ऑल्सो फेलियर इज अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस तो इट्सोर्स तो वही मैं जानना चाह रहा था कि आपने प्रेप करते टाइम में कहीं पढ़ रहा था कि आप किसी ए से भी मिले थे जी 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 और तो सिर्फ एस्पिरेंट्स के टाइम पर भी और संदीप भैया के टाइम पर भी कि आप उन एस्पिरेंट्स से मिले उनके साथ आपने कुछ वक्त बिताया हाँ मैंने जब एक्सपिरंट किया था पहली बार तब मैंने आ, मैं मिला था कुछ लोगों से समझा था उनका क्या मैंटालिटी होती है क्यों इतना उनको जज्बा है ऐसा तो क्या है कि यही हाँ। करना है कुछ और क्यों नहीं करना है मौका दिया जाए तुम कुछ और करोगे तो ये वाली चीज़ें पूछी थी लेकिन अभी जब मैं आ, वापस अभी हमने एस्पिरेंट्स टू और संदीप भैया दोनों शूट किए तो मैं एल ऑफिसर बन चुका हूँ लाइक एस्पिरेंट्स वन में जो पता चला सो आई हैड टू अंडरस्टैंड कि उनका काम क्या होता है किस तरीके से वो लोग आ, लेबर्स का ख्याल रखते हैं मज़दूरों के हित में कैसे वो लोग लड़ते हैं और क्या क्या निटिग्रिटीज रहती है मज़दूरों से मैं मिला कि आपको क्या लगता है एलसी ऑफिसर आपके काम के हैं कि नहीं हैं एंड यू नो सच क्वेश्चन सच सच थिंग्स और उसकी डिटेलिंग hmm. उनकी ऑफिस कैसे होती मुझे कितनी चीज़ें पता चली कि वहाँ वो कोर्ट चलाते हैं एल ऑफिसर को हक है वो कोर्ट चला सकता है और डिसीजन दे सकता है hmm. वहाँ अंदर भी और कोर्ट्स होती हैं एक और कोर्ट होती है और उसके बाद आप दूसरी कोर्ट में जा सकते हो तो ही दे हैव दैट पावर और मुझे ये पता चला कि uh, uh, कोई भी लेबर हो मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर जो ऑफिसिस में काम करते हैं उनसे लेकर जो पार्ट टाइम लेबर्स हो जैसे गार्ड हो आपका ड्राइवर हो वॉचमैन हो दे कैन जस्ट स्ट्रेट अवे वॉक डाउन टू लेबर डिपार्टमेंट एंड पुट इन दैट डिमांड्स दे डोंट नीड अ लॉयर सो आई आई लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस एंड uh, वो कितना कितनी अहम भूमिका निभाते हैं ये लेबर डिपार्टमेंट हमारे जीवन में हमें पता भी नहीं चलता सो इट्स ग्रेट दैट वी आर एबल टू शो दिस थ्रू द मीडियम ऑफ वेब सीरीज और सो टू से कैसे आप फिल्मों तक मतलब मुंबई में आपको पहला काम सोटू so से किस समय पर मिला था और यहाँ तक आने में कितना आपको टाइम लगा है? मैं एफ में पढ़ रहा था तो उस दौरान मुझे पहली फिल्म मिल गई थी mm -hmm. पर uh, वो फिल्म जो है uh, कुछ चीज़ों की वजह से रिलीज नहीं हो पाई समय पर तो वो फिर बैक टू स्टार्ट बैक टू स्क्वायर वन आ गया मैं और फिर करते रहे करते रहे करते रहे धीरे 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 फिल्में और भी मैंने उस टाइम जब कर ली थी एक तब और भी तीन चार करी तो वो फिल्में आ नहीं पाई और शायद उनकी लाइफ शैल उतनी ही थी पर उन सब से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं गई है मेरे लिए मैं बहुत सीखा हूँ और वो आई थिंक वो सारी फिल्में और वो सारी चीज़ें और वो सारा समय जो भी मैंने बिताया है वही एक वजह है जिसकी वजह से शायद आज मैं इस तरीके से आपसे बात भी कर पा रहा हूँ। क्या बात? जब देखते हैं आप वो खुद आता है जिसे रील में मैं परसों देख रहा था वो वाली की जब वो फट पड़ता है अपने बाप के सामने। मेरा सपना? तेरा न था? माँ का न था? कुसुम का न था? है? बढ़ जाता तो सबका सा बड़ा था और ना बढ़ा तो सिर्फ मेरा क्या बोल रहे बाबू सपना सपना बहुत मैक्स रिलेटेबल है यार मतलब कभी ऐसा कंफ्रंटेशन आपका हुआ है अपने परिवार वालों के साथ निजी जिंदगी में नहीं ऐसा हुआ नहीं है लेकिन आ, इसी को एकदम हल्का करके साइलेंट कर दो बिना बात का अच्छा थोड़ा सा उस उतना हुआ है पर माई डैड वॉज ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ मी इन माई फील्ड जो मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और वो हमेशा से हित में थे बस उनको यही था कि और अब और कितना समय अब और कितना समय वो वाली बात थी तो वो एक साइलेंट uh, वाली लड़ाई थी बट मोरलेस uh, उतना ज़्यादा उस तरीके का नहीं था बट आई एम थैंकफुल बड़ा संदीप भैया काफ़ी इंसाइड मतलब अंदर से झकझोर देने वाला कैरेक्टर तो है ही ना जी जी और जब आप जी रहे हैं उसको एस्पिरेंट्स में भी जी रहे हैं संदीप भैया में भी भी जी जी रहे हैं एस्पिरेंट्स आपने शूट कर लिया असर पड़ता है मतलब मुझे नहीं पता कि एक्टिंग कर रहे होते हो तो रोल का कितना नहीं देखो जब हम एक्टिंग सीखते हैं ना तो सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि चाहे तुम कितना भी गुस्सा कर लो हमको सिखाते थे कि, कि जाओ जो फील हो रहा है वो करो लेकिन जैसे संदीप भैया बोलते हैं लेकिन आपकी एक थर्ड आए आपके ऊपर होनी चाहिए यू हैव टू वॉच योर सेल्फ वॉट यू आर डूइंग ऐसे भय नहीं जाना है वहाँ किसी को मार वार नहीं देना है <laughs> फिर कहे कि एक्टिंग एक एक कर रहे हो फिर तो वो मतलब तुम कर ही रहे हो ना वो हरकत तो तो, वो एक्टिंग नहीं हुई तो वही लिहाज से आ, जब तैयारी भी करते हैं जब शूट भी करते हैं तो वो एक प्रैक्टिस से चीज आती है कि करते 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 आप इतने रम जाओ लेकिन एक आंख रहे आपकी क्योंकि आप क्या कैमरा है आप रो रहे हो जो भी मेरे सीन्स हैं आप गुस्सा हो रहे हो आप हाथ वाथ मार सकते हो तो कैमरा को उड़ा दोगे तो क्या होगा फिर हुँ. तो वो अवेयरनेस जो है एक थर्ड आई से अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है जो हमको बहुत पहले सिखा दिया गया था एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं मुझे तो लगता है वो जीवन में ज़रूरी है आप क्या बोलते बोलते ना एक बार सोच तो लो दैट इज़ योर थर्ड आई तो कुछ भी शब्द निकालने से पहले सोच लो तो इट रियली हेल्प्स यू इन योर रियल लाइफ आम जिंदगी में भी बहुत हेल्प करती है तो वो प्रैक्टिस करते करते एक हो जाना उधर एंड येट हैव दैट आई क्या कह रहे, रहे हैं शहर के लोग हाँ इंदौर के लोग क्या कह रहे हैं इंदौर या के ये अभी आया ये वाला फेम कि अब कुछ टाइम हो गया ना अब तो मेरे ख्याल से फैमिली मैन से नहीं आई थिंक एस्पिरेंट्स के साथ एस्पिरेंट्स के साथ आ, शुरू हुआ है जब लोगों का प्यार और और जो कमेंट्स और रस्ते में वो आंखों का हाँ। देखना मिलना वो है क्या वो है क्या आ, वो फिर उनको पता भी रहता है सोचते हैं मैं ही बुला लेता हूं, आ जाए <laughs> 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 <मिलो उसे. laughs> <laughs> <laughs> नहीं अब ऐसे में मैं भी ऐसे वो देख रहे हैं मैं, अब मुझे भी दिख रहे हैं अब रादर देन मैं ऐसे अवॉइड करूं मैं क्या हाँ आ जा <laughs> तो तो सही सोच अब नहीं दिख रहा हूँ मुझे तो अलग बात है ना दिख रहा है क्यों एनर्जी वेस्ट करनी ठीक है मिल लेते हैं उन्हीं की वजह से तो हमें फिर इतना हाँ। क्या सोचना क्या अभी आने वाला है आने वाले दिनों में इन बस आएगा एक्सपीरियंस टू टू के अलावा एक्सपीरियंस टू आएगा उसके अलावा एक शो है रेलवे मैन ओके यशराज का फर्स्ट शो है फर्स्ट वेब शो है वो फिलहाल ये है।, है जी जी मजा आ रहा है <laughs> फुल <laughs> मजे कर रहे <laughs> बढ़िया एकदम आपने गाड़ी देख ली मुझे लगा वो भूल गई <laughs> <laughs> नहीं मैं ये तो बहुत ज्यादा मतलब हमको अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए और हम चाहते भी थे कि हम आपको जो है अप्रोच कर पाए so और दूसरी चीज ये मैं यही जानना चाह रहा था कि ओ की वजह से मैं ये ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन सवाल आजकल का हो गया है लेकिन हर किसी के अलग अलग जवाब हैं इसको लेकर है ना कि ओ के आने से क्या उन लोगों को मौका आसानी से मिल पा रहा है जो कि एक सर्टेन बैकग्राउंड से नहीं आते थे या जिनका फिल्मों में मान लीजिए ट्रेनिंग वैसी नहीं थी ट्रेनिंग थी भी तो उतने उनको मौके नहीं मिल रहे थे आपको लग रहा है कि चीज़ें मुझे आसान ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुली हैं नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स राइटर्स डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस एवरीबडी एंड इट्स अ बूम सो टू से फिटर्निटी एंड बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग टैलेंटेड हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा था उनको मौका मिल रहा है और बखूबी से लोग काम कर रहे हैं और थैंकफुली uh, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि सच में ऐसा लगता है कि uh, जिसकी जो इच्छा हो ना जीवन में वो पूरी हो जाए तो उससे अच्छी बात क्या ही होगी तो वह हाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कई लोग इतना शिद्दत से लगे होते हैं तो वो अच्छा लगता है देख के जब वो काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं और uh, मज़ा आता है और करना भी चाहिए <laughs> अगर इतनी शिद्दत से आपने सोचा है किसी चीज़ को पाने के लिए और अगर फिर अपॉर्चुनिटीज ना हो तो बड़ा दुख होता है बट ग्लैड एंड इट्स same इज फॉर मी थैंक यू सो मच हमसे बात करने के Thank लिए थैंक यू ये जल्दी से कैमरा है हाँ एन सी शो का नाम है एन सी हैंग आउट हाँ न्यूज़ क्लिक नाम है हमारे प्लेटफॉर्म का तो एन सी हैंग आउट बोलूंगी न्यूज़ क्लिक

Like, subscribe, and share. <laughs> Thank you so much. Thank you. <laughs> Thank you. Bye.